थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक नहीं मानता सिविल जज का आदेश। थाने वाले कह रहे हैं कि वो काना लेखपाल जो रिपोर्ट बना के दिया उसको मानेंगे, सिविल जज का आदेश नहीं मानेंगे। दबंग दो बिस्वा जमीन पर कर रहे हैं जबरदस्ती कब्जा। ये दो बिस्वा पे कब्जा कर ले रहे हैं जबरन। फरियाद करने पर दरोगा जेल भेजने की देते हैं धमकी। और दरोगा जी हमारे सुनते नहीं, किसी भी कीमत पे हमारी सुनवाई कर नहीं रहे, कहे कि अगर हमको फोन करोगे या कोई झंझट करोगे तो तुमको दोनों भाई को जेल भेज देंगे। थाना अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं पीड़ित की सुनवाई। जैसा कि पीड़ित का कहना है कि थाना अध्यक्ष भाले सुल्तान बिल्कुल इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अमेठी जिला किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा चर्चाओं के बाजार में गर्म रहता है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अमेठी की खबरें कहीं न कहीं चलती ही रहती हैं, लेकिन हम आज आपको जिस खबर के बारे में बताने जा रहे वो अमेठी में बने नए नवेले थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक की बात है, जहां के थाना अध्यक्ष सिविल जज के आदेश को भी नहीं मानते और पीड़ित के फरियाद करने पर उसको और उसके भाई को जेल भेजने की धमकी देते हैं। थाना अध्यक्ष के लिए लेखपाल की रिपोर्ट ही सर्वोपरि है। इस संबंध में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद तौफीक ने पीड़ित मोहम्मद इम्तियाज से बात की, क्या कुछ पीड़ित ने बताया आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आज मौजूद है अमेठी जिला के वारिसगंज में, जहाँ जमीन पे स्टे के बावजूद निर्माण कार्य हो रहा है, पीड़ित लगातार थाने के चक्कर लगा रहा है फिर भी नहीं सुनी जा रही है। क्या है पूरा मामला हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज नाम है मेरा और मैं माहेमऊ का रहने वाला हूं, और मेरा भाई नाम उसका नाम कयूम है, उसकी एक जमीन है 189 नंबर है, काटा संख्या मौजा नामदापुर में स्थित है वो, और 464 हेक्टेयर है। उसमें जो है वो जबरन महबूबा पत्नी महबूब उनके बच्चे मिलकर जबरन उसमें दो किस्सा जमीन पर कब्जा करके मकान बना रहे हैं। हम लोग कई बार थाने गए और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर स्टे भी है सिविल जज का, स्टे भी नहीं मान रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमको इंसाफ दिलवाइए भाई साहब, हम बहुत परेशान हैं, हमारा भाई यहाँ रहता नहीं है और उसकी ज़मीन पर जबरन लोग कब्जा कर रहे हैं। क्या लग रहा है थाने वाले आखिर आपकी सुन क्यों रहे हैं? थाने वाले कह रहे हैं कि वो काना लेखपाल जो रिपोर्ट बना के दिया उसको मानेंगे, सिविल जज का आदेश नहीं मानेंगे। थाने वाले कह रहे हैं कि जो पैमाइश गलत हुई इस पर हमने इसके लिए अधिकारियों से मुलाकात नहीं की आपने? नहीं, गए थे हम एसपी के पास, पहले बहुत पहले गए थे हम, उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हो सकता है कि भूल गए हों, उनके दिमाग से उतर गया हो। तो मैं एसपी साहब को अवगत कराना चाहता हूं कि इस केस को संज्ञान में लेकर हमें इंसाफ जल्दी से जल्दी दिलाएं ताकि हमारी ज़मीन बचे, और संपूर्ण नंबर हमारे भाई के नाम से दर्ज है 189 नंबर स्थित ग्राम नामदापुर मौजा, और उसका 400 हेक्टेयर जमीन है, इस पर ये दो बिस्वा पे कब्जा कर ले रहे हैं जबरन। और दरोगा जी हमारे सुनते नहीं, किसी भी कीमत पे हमारी सुनवाई कर नहीं रहे, कहें कि अगर हमको फ़ोन करोगे या कोई झंझट करोगे तो तुमको दोनों भाई को जेल भेज देंगे। जैसा कि पीड़ित का कहना है कि थाना अध्यक्ष भाले सुल्तान बिल्कुल इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इनकी ज़मीन पर लगातार दो बिस्वा पे जो है विपक्षी जो है लगातार कब्जा कर रहे हैं, कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है, स्टे का कोई मायने नहीं रह जाता है कि ये, जैसा कि जो है पीड़ित का कहना है। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।